नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला कार फेरी राइड है जो मैंने अगरदंडा से दिघी के लिए लिया था। ये मुरुड जजीरा से दिवेघर जाते समय रास्ते में पड़ता है। इस फेरी बोट में लगभग एक साथ में 8 कारें और लगभग 30-40 जो है वो बाइक आ जाती हैं, तो काफ़ी बड़ी बोट थी ये। क्योंकि ये मेरी पहली राइड थी तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कार ढंग से चढ़ेगी नहीं अड़ेगी। लेकिन मेरी 12 साल पुरानी हुंडई इलांट्रा आराम से ऊपर जो है वो चढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ज़्यादा टर्न लेके भी नहीं चढ़ाना पड़ा, काफ़ी जो है अच्छा स्लोप था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये रवानगी शुरू हो गई है, धीरे धीरे जो है वो अगरदंडा पोर्ट से ये निकल रही है और अब दीघी की तरफ जाएगी। यहाँ से ये पहले यू टर्न मार रही है। टर्न कंप्लीट हुआ है और अब हम चल दिए हैं दीघी की तरफ को। ये देखिए पीछे से जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये आपको जो पीछे दिख रहा है वो अगरदंडा है जो मुरुड जजीरा की साइड है। मुरुड जजीरा से लगभग 15-20 मिनट का रास्ता है इससे। ये बोट फेरी जो है वो आपका लगभग 1.5 से 2 घंटा बचाती है। अगर आप मुरुड जंजीरा से निकलकर अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं, जैसे यदि आप अड़गांव बीच या वेलास बीच या दिवेघर इस तरफ को यदि आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये क्रीक घूमकर पूरा ना जाना पड़े, लगभग 1.5 से 2 घंटा आपको जो है एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर आप रोड से जाएंगे तो। ये फेरी जो है ये मेरे 5 दिन के कोकण के एक ट्रिप का हिस्सा है। मैंने और मेरी वाइफ ने जो है वो 5 दिन का कोकण का ट्रिप किया था, अलीबाग से शुरू करके दीवेगर हरिहरेश्वर होते हुए सारे बीचेस जो हैं वो हमने कवर किए थे। इसमें 4 फेरीज जो हैं वो हमने ली हैं, कार फेरीज अलग अलग जगह पे। तो ये हमारी जो है ये पहली फेरी है जो हम लोगों ने ली थी मुरुड जजीरा से दिवेघर जाने के लिए। और ये देखिए मैं लास्ट में अभी यहाँ पहुँच गए हैं, तो ये कार में उतार रहा हूँ और सेफली आउट। तो बहुत बढ़िया, मस्त ट्रिप। थैंक यू।